नमस्कार गाइस, वेलकम 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 टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर टुमारो मंडे के लिए। ऑपरेटर स्ट्रेटजी गाइस, ऑपरेटर का सेटअप मैंने पहले ही आप लोगों को बोल दिया था कि मार्केट में आएगा यूटर्न 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 और यूटर्न, कल ही वीडियो में बोल दिया था। यदि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो को लाइक किया होगा, तो ये कल मैंने लिख दिया था, कल होगा बड़ा धमाका। और इसका सबूत आप इस वीडियो में जाके चेक कर सकते हो। बिल्कुल क्लोजिंग में आपको मैंने बता दिया था कि बैंक निफ्टी बड़ा धमाका दे सकता है, 52,000 तक रिकवरी दे सकता है, क्योंकि मेरे पास सिग्नल है। और इसका शॉर्ट वीडियो में मैंने यू टर्न के रूप में बनाकर आपको दिखा दिया है, ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, यह है वो सिग्नल था बैंक निफ्टी का, ऑपरेटर का, नोट कर लीजिए। तो गाइस, ये बैंक निफ्टी का सिग्नल है 30 मिनट्स का, नोट कर लीजिएगा। 30 मिनट्स की क्लोजिंग में 2:15 के करीब करीब हमारे पास सिग्नल आ चुका था कि लेना है बैंक निफ्टी में स्विंग, और देख लो आज ऑपरेटर ने हमें यहाँ पर एग्जिट दिया। मतलब कल से सिग्नल था, तो मैं भले ही बीटीएससी लेकर नहीं गया, बट मुझे सुबह खुलते से नीचे मौका मिला बाय ऑन डिप का, मैंने खुलते से नीचे बाय करा। और 52,200 की कॉल ऑप्शन और 52,000 की कॉल ऑप्शन और 52,700 की कॉल ऑप्शन में ट्रेड हुए, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त ट्रेड हुए। तो यहाँ पर उन ट्रेड्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले कंडीशन नंबर, बहुत बड़ा धमाका देखने को मिला, और ये चीज मैंने कल ही क्लियरिटी कर दी थी। जिन लोगों ने ईमानदारी से वीडियो देखा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी 825 अंक, मतलब ये जो प्रीमियम है 52,500 की, हमारी एक 52,500 की प्रीमियम भी थी, तो इसमें क्वांटिटी हमने थोड़ी थोड़ी जो लेकर रखी थी, क्योंकि 30 मिनट्स का सिग्नल था, स्विंग का सिग्नल था ये शॉर्ट टर्म का। तो यहाँ पर एक ही दिन में तकरीबन 1900 पॉइंट की शानदार तेजी देखने को मिली हम लोगों को। तो ये सिग्नल था हमारे पास ऑपरेटर स्ट्रेटजी ऑप्शन में भी, कि यहाँ पर आज सुबह खुलते से खरीदारी करनी थी 200 रुपए के आसपास, ठीक है। ये 5 मिनट का सिग्नल था, आप चेक कर सकते हैं। ऐसे कई सिग्नल आप लोगों को फ्री में मिल जाते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और यदि पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो ऑपरेटर स्ट्रेटजी 50% सेल ऑफ चल रहा है, सेल चला दिया, हैप्पी दिवाली सेल, हैप्पी दिवाली सेल, 50% डिस्काउंट ऑफर चालू है। डिस्काउंट करने के बाद वन डे क्लासेस 12,500 में, 3 डेज क्लासेस लाइव मार्केट की क्लासेस मिलेगी 17,500 में। लाइव मार्केट में सिखाऊंगा कि ऑपरेटर काम कैसे करता है, यदि सीखना चाहते हो तो कॉन्टेक्ट आज, टुडे इज लास्ट डे, यदि सीखना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ऑपरेटर स्ट्रेटजी को। तो ये चीज मैंने प्रैक्टिकल करके बताइए, थ्योरेटिकल तो मैं बोलता हूँ, एक नहीं 1,000 सबूत मिलेंगे ऑपरेटर स्ट्रेटजी के यूट्यूब शॉर्ट्स पे, फुल वीडियो भी मिल जाएंगे, लाइव स्ट्रीमिंग भी कभी कभी करता हूँ क्योंकि समय नहीं मिल पाता, क्योंकि लाइव मार्केट की क्लासेस लेनी पड़ती है, इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि जिन लोगों को सिखाना है ना वो लोग बड़े ऑपरेटर बनना चाहते हैं, और वो चीजें सीखना चाहते हैं कि जो ऑपरेटर्स फॉलो करते हैं। रिटेलर्स तो ट्रेंड लाइन इंडिकेटर इंडिकेटर के चक्करों में पड़े रहते हैं, परेशानी रहते हैं, कुछ नहीं हो सकता उन लोगों का, और उससे कुछ होगा भी नहीं उन लोगों का। ये बात आपको भी समझ में आती होगी, बात तो सही है राकेश जी, इंडिकेटर जो चार्ट के नीचे चलता है, प्राइस चले जाती है मगर उसके बाद रिएक्शन देता है ना, तो उसे हम लैगिंग इंडिकेटर ही कहेंगे और कुछ नहीं कह सकता। बैंक निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर टुमारो, यदि मैं सिंपल सी भाषा में बात करूं तो नतीजे आने वाले हैं दो चीजों के, क्या नोट डाउन कर लीजिएगा, पहला है HDFC बैंक 19 अक्टूबर है, और दूसरा है कोटक महिंद्रा बैंक 19 अक्टूबर है। उसके बाद छोटे मोटे नतीजे हैं उनके छोड़ देते हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री में कोई डेटा नहीं है, इसे हटा देते हैं। सिंपल सी भाषा नजर आती है कि HDFC बैंक के नतीजे क्या बोल सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर तो बोल रहा पॉजिटिव 101% पर, HDFC बैंक के नतीजे क्या बोल सकते हैं। देखो HDFC बैंक में 30 मिनट के चार्ट पर हम चलेंगे और इसका एनालिसिस कर लेते हैं सिंपल भाषा में, तो कल गैप अप आएगा या गैप डाउन आएगा या फ्लैटिश आएगा हमको पहले पता चल जाएगा, ये नोट कर लीजिएगा। तो अब वीडियो को स्किप करके मत देखा करो यार, ईमानदारी से पूरे वीडियो देखा करो, जल्दी समझ में आएगा। सबसे पहले 1 आवर देख लेते हैं, 1 आवर में एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाला सिग्नल मिल रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट में कि रिकवरी तो है। यदि कल एक मौका डिप में भी मिले तब भी खरीदारी कर सकते हैं, यदि सामने से भी मिले तब भी खरीदारी कर सकते हो, मौका तो अच्छा है। टारगेट क्या है, रेड लाइन के टारगेट है, बहुत बड़े टारगेट आएंगे, हालांकि टारगेट तो यदि थोड़ा सा फ्लैटिश खुलता भी है तो भी ऊपर जाने के चांसेस है, और नेगेटिव भी खुलता है हल्का सा तो भी ठीक है। मैं बोल सकता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर के नतीजों में कोई ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को एक्सिस बैंक से नतीजों से उसका हल्का सा मतलब आपको प्रिडिक्शन मिल जाएगा, बैंक निफ्टी से भी मिल रहा होगा कि कोई खराब नतीजे नहीं आने वाले, मुश्किल है 99.9% अभी 1% भगवान के हाथ में। भैया गाइडेंस यदि पॉजिटिव दे देते हैं, देखो नतीजे तो कई बार पॉजिटिव आ भी जाते हैं मगर गाइडेंस
जिस प्रकार से आती है, जैसे कि अभी नेस्ले और बजाय ऑटो की गाइडेंस आई थी, गाइडेंस में क्या बोला था, नेगेटिव, कि भाई साहब गाइडेंस नेगेटिव। तो ये पिछली बार टीसीएस इन्फोसिस में भी हो चुका है, नतीजे बड़े अच्छे आते हैं, अगर गाइडेंस पे दो शब्द ऐसे बोल दिए ना तो काम खराब हो जाता। तो यहाँ पे गाइडेंस भले ही, नतीजे भले ठीक है, मगर गाइडेंस यदि पॉजिटिव दे दी तो यहाँ पर खेल बदल सकता है, याद रखना, मार्केट गैप अप दे सकता है। और एक्सिस बैंक में एक बड़ा धमाका देखने को मिला हमको ऑपरेटर स्ट्रेटजी में, जो कि हम लोगों ने पहले से बोल कर रखा था। एक्सिस बैंक बड़ा धमाका सिग्नल पर भी मौजूद था मेरे पास, स्टॉक ऑप्शन में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, फॉरेक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं हमारे एल्गोरिथम से। आईसीआईसीआई बैंक भी बहुत अच्छा यू टर्न दिया, एसबी बैंक। आज जिन लोगों को लेना उन लोगों ने तो कोई बात नहीं, दिवाली के बाद वैसे भी ऑपरेटर स्ट्रेटेजी बेचना बंद कर दूंगा, डोंट वरी, है ना, पहले ही बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे इसे बेचना नहीं है, उन लोगों की मदद करनी जिन लोगों को वाकई सीखना है, नहीं तो मैं तो काम अच्छा चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सेकेंडरी कंडीशन, एसबीआई बैंक पॉजिटिव लगता है, अभी भी पॉसिबिलिटी के चांसेस है, एक बड़ा धमाका दे सकता है एसबीआई बैंक। एचडीएफसी बैंक के बाद एसबीआई बैंक पे ही मेरी सबसे ज्यादा बुलिशनेस दिखाई देती है, 820, 25, 30 और तकरीबन 46 नोट कर सकते हो, 846 फाइनल टारगेट है एसबीआई बैंक के, इस वीक में ही या फिर मंडे को ट्यूसडे को तक देखने को मिल सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री जो कि नतीजों के बाद स्टेबल व्यू बना रहा है, यहाँ पर भी ध्यान रखना है, बॉटम ऑफ द लेवल में है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एसआईपी मोड स्टार्ट कर सकते हो एंड बॉटम लेवल का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। एचडीएफसी बैंक अच्छा लग रहा है, यहाँ पर सेंटरिक है बट ठीक है, वन डे चार्ट में भी एक बड़ा धमाका देने के लिए तैयार दिखाई देता है, कल गैप अप ओपनिंग दिखा सकता है, कितना बड़ा, आधा परसेंट 1% के करीब करीब, ठीक ठाक है। ठीक है, यदि कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। आप बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी क्या बोलती है, ठीक है, बैंक निफ्टी मैं सिंपल सी भाषा में बात करूंगा तो वीकली चार्ट में पॉजिटिव बंद हुई है, नोट डाउन करना, वीकली चार्ट में पॉजिटिव बंद हुई है, बहुत बढ़िया यू टर्न दिखाई दे रहा है, वन डे और वन वीक में भी मतलब अच्छे मोमेंटम दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर यू टर्न के, नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकेंडरी कंडीशन, वन डे पर भी ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाली कैंडल दिखाई देती है, भरी हुई कैंडल दिखाई देती है, जिस तरीके से मोमेंटम है। टारगेट में भी वीकली के जो टारगेट यदि मैं सेट करूँ एक हफ्ते के, तो बैंक निफ्टी मुझे तकरीबन यहाँ पर 52,800 और 53,000 के लिए मूवमेंट करती हुई नजर आ सकती है, इसके ऊपर भी तकरीबन 53,200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके की मूवमेंट देखने को मिल सकती है अगले हफ्ते में। जी हाँ, तकरीबन 1,100 अंक, तकरीबन 1,000 अंक के करीब करीब मान सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी कंडीशन आती है, यदि हम मंडे के बारे में बात करते हैं, मंडे यदि हमें गैप अप दिखाई देता है तो उसकी पॉजिटिव, यदि 52,000 के करीब करीब, 52,200 के करीब करीब हम लोग 100 के करीब करीब बंद हुए हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लगता है कि मार्केट इस सिचुएशन में इस गैपिंग को फिलिंग करने की कोशिश, करने की बहुत ज्यादा कोशिश है, कर सकता है, गैप अप खुल के, नोट डाउन करना, गैप अप खुल के तुरंत ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है, तो बैंक निफ्टी 52,600 के टारगेट के लिए अचीव कर सकता है। पहला टारगेट होगा 52,372, नोट कर लेना, 52,370 एंड सेकेंड टारगेट इज 52,560 के तकरीबन, 6,600 के टारगेट, 50,600 के टारगेट के लिए अप्रोच कर सकता है यहाँ पर बैंक निफ्टी भी। निफ्टी के बारे में बात करें, निफ्टी खतरे की घंटी है, नोट डाउन कर लेना, अभी भी निफ्टी में ज्यादा ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं दूंगा मैं बिल्कुल, क्योंकि 25,000 के नीचे की क्लोजिंग देखे गया बॉस, ये बहुत बड़ी बात है, ये चीज आपको भी समझ में आ रही होगी, मतलब सही है तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर करना। ठीक है, जिस तरीके का व्यू है मार्केट का, इस तरीके से मुझे ऑपरेटर स्ट्रेटजी में एक चीज समझ में आती है कि रिकवरी तो है मगर स्ट्रेंथ नहीं है वो रिकवरी का, क्योंकि क्वार्टरली नंबर्स का दबाव है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो नेगेटिव है। यदि कल पॉजिटिव खुल भी जाता है तो ठीक है, मगर मैं एक चीज और बोलूंगा, एक बार और बॉटम में आने दो, 730 और 50 के करीब करीब, यहां पर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बने तो ज्यादा खरीदारी करने में समझदारी ज्यादा है, अच्छी वाली, नोट डाउन कर लेना। सपोर्टिंग बन रहा है 900 के करीब करीब, गैप अप खुल गया, जल्दीबाजी मत करना, भरोसा मत करना मार्केट का, मैं पहले ही बोल रहा हूँ निफ्टी पे स्पेशली, मतलब बैंक निफ्टी गैप अप खुलता, गैप फिलिंग करने के लिए नीचे आता है इन द पॉसिबिलिटी, एंड सेकेंडरी के निफ्टी भी थोड़ा सा गैप अप खुल के नीचे आने की कोशिश करे, सपोर्टिंग में आने की कोशिश करे, सेटअप बनाए, तो यहाँ पे खरीदारी करने का ज्यादा व्यू अच्छा बनता है और ऑपरेटर आपको सपोर्ट करेगा इस चीज में। वो भी यही चाहता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, अब डाउ जोन्स यदि पॉजिटिव करता है हमें
एंड HDFC के नंबर अच्छे आते हैं तो नो डाउट हमें ऊपर जाने से सर कोई रोकेगा नहीं। यदि हम बात करें मार्केट के बारे में तो अभी भी जब तक 25,200 का लेवल 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग ना मिले या फिर 25,200 के ऊपर पूरी तरीके से ना निकले, क्लोजिंग ना दे, ज्यादा भरोसा मत करना मार्केट का, ठीक है। निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पे कर सकते हो, थोड़ा बहुत कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं, मगर BTST ज्यादा करने की कोशिश ना करो तो बेहतर है, ये बात याद रखना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर कर देना। ऑपरेटर स्ट्रेटजी सीखना चाहते हो तो 50% डिस्काउंट ऑफर है सभी लोगों के लिए। सीखना चाहते हो तो कॉन्टेक्ट अस, पेमेंट करो और ज्वाइन करो, है ना। व्हाट्सएप का नंबर अवेलेबल है 9752225358 पर। थैंक यू।